अभी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसमें हमने इतना बड़ा इफ को लगाया। अब एक बार में हो सकता है कि आप ना लगा पा रहे हैं, गलत हो रहा है, तो इसको ब्रेक करके भी लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए, मैंने सिंपल सा इफ चेक किया कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो इसके जगह पे हम पास लिख देते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट वन फेल लिख देते हैं, राइट? ये करेंगे ना सर। अब इसी को यहां से आगे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग कर दिए। अब सब्जेक्ट वन के जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट टू कर देते हैं, सब्जेक्ट टू के जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री कर देते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट फोर कर देते हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, अब पास है तो ए जो आपका दिख रहा है, इफ ए जो इफ दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिए, यहां से लास्ट से शुरू करेंगे। तो ए जो इफ है सब्जेक्ट फोर एंड पास, इसको हम यहां से कॉपी कर देंगे, और तीसरे इफ के जहां पास है ना उसके जगह पे हम डाल देंगे। डाल दिए, पेस्ट कर दिए, एंटर प्रेस कर दिए, मतलब इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसका पार्ट इसके अंदर आ चुका है। फिर तीसरे इफ को हम कॉपी करेंगे और दूसरे इफ के जहां पास था पास के जगह पे डाल देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर तीसरे इफ को आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आ गया। और फिर हम दूसरे इफ के फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और पहले इफ के पास वाले सेक्शन में डाल देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको यहां से कट कीजिए, कट करके जहां रखना है वहां रख दीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। आप समझ में आया कि नहीं प्रदीप जी, महेंद्र सर जी, बीच अभिषेक में जी? डिस्कनेक्ट हो गया है सर, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे लिखे सर थोड़ा उसको। जी अभी बताया ना आपको, एक करके दिखाना, अभी देखे नहीं, अलग अलग करके हाँ लिख ऐसे लिखेंगे। हाँ सर ठीक अब है सर। इकट्ठा, अगर इकट्ठा लिख सकते हैं तो इकट्ठा लिख दीजिए, अगर इकट्ठा लिखने प्रॉब्लम है तो आप अलग अलग सेल में लिखें और फिर उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके बना लें। वही हुआ है, थोड़ा तो सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप परफेक्टली लगा लेंगे, दो चार पांच बार लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। समझ गए अनिकेत जी? जी सर समझ में आया?